जय मसीह की। दोस्तों, आज का विषय है पवित्रीकरण। चेला यूहन्ना के जीवन में सच्ची पवित्रता का उदाहरण दिया गया है। ईसा मसीह के घनिष्ठ संबंध के वर्षों के दौरान उन्हें अक्सर उद्धारकर्ता द्वारा चेतावनी दी गई थी और उसने ये गलतियां स्वीकार कर लिया। जैसे ही ईश्वरीय व्यक्ति का चरित्र उसके सामने प्रकट हुआ, यूहन्ना ने अपनी कमियों को देखा और उस प्रकटीकरण से विनम्र हो गया। दिन ब दिन अपनी हिंसक भावना के विपरीत उसने यीशु की कोमलता और सहनशीलता को देखा और विनम्रता और धैर्य के उनके पाठ को सीखा। दिन ब दिन उसका हृदय मसीह की ओर आकर्षित होता गया, जब तक कि वह अपने स्वामी के प्रेम में स्वयं को भूल न गया। शक्ति और कोमलता, महिमा और नम्रता, धीरज जो उसने परमेश्वर के पुत्र के दैनिक जीवन में देखा, उसने उसकी आत्मा को प्रशंसा से भर दिया। उसने अपने क्रोधी महत्वाकांक्षी स्वभाव को मसीह की ढलने वाली शक्ति के हवाले कर दिया और ईश्वरीय प्रेम ने उसके चरित्र में परिवर्तन ला दिया। हमारे लिए परमेश्वर का स्तर। सवाल एक, पवित्रीकरण क्या है? पवित्र या पवित्र होने की अवस्था या गुण जीवन और चरित्र की पवित्रता, धर्मशीलता, ईश्वर भक्ति। सच्चे पवित्रकरण का अर्थ है सिद्ध प्रेम, सिद्ध आज्ञाकारिता, ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण अनुरूपता। ईश्वर के लिए पवित्रता पूर्णता है या स्वर्ग के सिद्धांतों के वास के लिए हृदय और जीवन का संपूर्ण समर्पण है। सवाल दो, परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे किस ऊंचे स्तर तक पहुंचे? पढ़े मत्ती 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जिसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। 1 पत्रस 1:15-16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे अपने पिता परमेश्वर के स्तर तक पहुँचे। सवाल तीन, हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? 1 थिस्सलुनीकियों 4:3-4। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पत्र को प्राप्त करना जाने। हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने। सवाल चार, पवित्रीकरण का कार्य कितना पूरा होना चाहिए? 1 थिस्सलुनीकियों 5:23। शांति के परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें। तुम्हारे आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पवित्रीकरण का कार्य पूरी रीति से होना चाहिए। प्राण, आत्मा और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। पवित्रीकरण की एजेंसियां। सवाल पांच, ध्यान दें कि पवित्रता यीशु और उसकी बलिदान मृत्यु पर कैसे निर्भर करती है। 1, विश्वास से पवित्र होना। 20:32-26:18। 2, मसीह हमारे लिए पवित्रीकरण बनाया गया। 1 क्रंथियों 1:30। 3, प्रभु यीशु के नाम पर पवित्र किए गए। 1 क्रंथियों 6:11। 4, मसीह वह है जो पवित्र करता है। 2:11। 5, हम यीशु मसीह के शरीर को बलिदान के माध्यम से पवित्र किए गए हैं। 10:10। 1, ताकि वह लोगों को पवित्र कर सके। 13:12। सवाल 6, यीशु ने किस कारण से स्वयं को पवित्र किया? जवाब के लिए यूहन्ना 17:19 पढ़ें। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यीशु ने स्वयं को पवित्र किया ताकि उसके चेले भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। सवाल सात, पवित्रीकरण के कार्य में परमेश्वर की वचन की क्या भूमिका है? 1 यूहन्ना 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। 2:13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब तुम हमारे द्वारा परमेश्वर की सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुँचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर के वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो कार्य करता है। 1 पत्रस 1:22। अतः जबकि तुमने वैचारिक निष्कपट
प्रेम के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। पवित्रीकरण के क्रिया में परमेश्वर की वचन एक विशेष भूमिका निभाती है। वह सत्य है और हम में क्रिया करता है। सवाल 8, क्या परमपिता परमेश्वर के पास पवित्रीकरण से कोई लेना देना है? यहूदा का 1, परमेश्वर पिता में प्रिय होते हैं। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। हम देखते हैं पवित्र होने वाले परमेश्वर पिता में प्रिय होते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।